Hello and welcome to a very special debate show of the Broad. Today we are joined by a very special guest, Vishank Sharma from BJP, Ayush Anupama, Vandana ma'am, Ananya, Ayush Tripathi, Manveer, Nishi ma'am, Drone and Abhinav. Thank you everyone for joining us and welcome to the Broad. And now today we are going to discuss the topic of nationalism. So I want to start by Vishank Sharma. Vishank Sharma ji, aapke sarkar par kaafi ज्यादा इल्जाम लगा है कि आपने नेशनलिज्म का गलत इस्तेमाल किया है या यूं कहो तो नेशनलिज्म का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि नेशनलिज्म आपके हिसाब से है क्या और इस बात में कितनी सच्चाई है। नेशनलिज्म अगर हम गूगल पे पढ़ते हैं तो वो बताता है कि नेशनलिज्म जो है वो एक फीलिंग है ऑफ लव एंड प्राइड, जहाँ हर भारतीय को भारतीय होने पर गर्व है और वो खुद को बाकी देश के नागरिक से खुद को बेहतर समझता है, अपने देश को बाकी देश से बेहतर समझता है। एज अ बीजेपी कार्यकर्ता अगर आप पूछते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है तो हमारा मैनिफेस्टो जो था 2014 का 2019 का, उसमें सारी बातें लिखी हुई थी कि हम जब सरकार में आएंगे तो सारे काम थे। तो हमारे लिए जो राष्ट्रवाद है वो 130 करोड़ भारतीय के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए किया गया कार्य जो है वो राष्ट्रवाद है। चाहे वो गरीब के लिए घर हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो जिसमें 5 लाख का मुफ्त इलाज गरीब को मिलता है, चाहे वो किसान का वो योजना हो जिसमें किसान को अपने लागत को 1.5 गुना बेनिफिट दिया जाता है, चाहे वो इक्विपमेंट्स को बेहतर करने में किया गया हो। भारत माता की जय का मतलब ही होता है 130 करोड़ भारतीय नागरिक है उनकी जय। राष्ट्रवाद, और हम राष्ट्रवाद को गलत इस्तेमाल क्या करते हैं? राष्ट्रवाद खुद में इतना सही है कि उसका गलत इस्तेमाल किया जा ही नहीं सकता। अगर हम देश के लिए कुछ राष्ट्र के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और उसको कहते हैं कि हाँ हमने ये किया, भारत को मारा हुआ तुम जहाँ से मारोगे हम वहां घुस कर मारेंगे, अगर हम ये कहते हैं तो हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं। और भारत के लोगों ने इसीलिए वोट दिया है हमें कि हम ये काम करें, हम कर रहे हैं और बता रहे हैं, हम गलत इस्तेमाल इसका किसी जगह पर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भारत के लोग तो इतने राष्ट्रवादी हैं कि लगभग 3,500 साल की गुलामी करने के बाद भी, 3,500 जो भी है उसी गुलामी करने के बाद भी हम एक हैं। रूस 1919 में बना और 1951 में अलग हो गया, और भारत को देखिए कि सालों साल हजारों साल की गुलामी करने के बाद भी हम एक हैं। भारत का हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है और वो अपने राष्ट्र के बेहतरी के लिए काम करता है। और वो आपको तब दिखता होगा जब आप अपने तिरंगे को देखते हैं, जब राष्ट्रगान बजता है आप खड़े हो जाते हैं और वो पूरे 1 मिनट तक आप खड़े रहते हैं। और पिछले बार मैंने एक और बात कही थी कि भारत जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्र है, क्योंकि भारत को आप ये नहीं कह सकते हैं कि अ पीस ऑफ लैंड विच इज गवर्न्ड और रूल्ड बाय अ पार्टी इज इंडिया। ऐसा इंडिया नहीं है। हमारे राष्ट्रगान में एक शब्द आता है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा। आज हमारे पास सिंध तो है नहीं भौगोलिक तौर पर, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक तौर पर हम उसे भारत मानते हैं। तो भारत का पीस ऑफ लैंड नहीं है, और मैंने जैसा कहा कि भारत का हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है और उसका उदाहरण हजारों साल की गुलामी के बाद भी एक होना है। हम सब बहुत राष्ट्रवादी, इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता है। जी वंदना मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज नेशनलिज्म? आपके हिसाब से राष्ट्रवाद क्या है? मेरे हिसाब से नेशनलिटी और नेशनलिज्म एक दूसरे से काफी हद तक इंटररिलेटेड है। और अगर सपोज हम जितने भी हमारे नेशनल सिंबल हैं जो हमारे राष्ट्रीयता को रिपीट करते हैं, हमें उन सबका सम्मान करना चाहिए। और कहीं भी अगर हम ट्रैवल करते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, सपोज अगर भूटान और नियर बाय कंट्रीज की हम बात करें, चाइना भूटान और समर नेपाल, तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो इंडियन ही है। तो हमारी खुद की जो चीजें हैं वो नेशनल फ्लैग हो, नेशनल एंडम हो, उनका सम्मान तो हमें होना ही चाहिए। और वो सम्मान अपने जरिए ही हम अपने दूसरे जनरेशन तक भी पहुँचा सकते हैं। और डेमोक्रेसी में अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, कौन कोई भी रिलीजन जो आप फॉलो करना चाहें, वो स्वतंत्रता तो ऑलरेडी हमें मिली हुई है। तो उस स्वतंत्रता निजी उस निजता को रखते हुए नेशनलिज्म का होना हम सब में बहुत जरूरी है। और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो इस डाइवर्सिटी को ब्रेक करके हमारे ऊपर रूल करना बहुत ही आसान है दूसरे कंट्रीज के लिए, या जो भी
कंट्री के अंदर ही जो ऐसी ताकत है जो हमें डिवाइड करके रूल करना चाहती है, बहुत बहुत ही आसान है, क्योंकि हम काफी हद तक एक दूसरे से बटे हुए हैं कल्चरली, हेरिटेज वाइज, लुक वाइज, लैंग्वेज वाइज, फूड वाइज, हमारा जो यू नो जो डे टू डे लाइफ है, हमारी थिंकिंग वाइज, हम कम्प्लीटली ऑलरेडी एक दूसरे से, रिलीजन वाइज हम ऑलरेडी डिवाइडेड हैं बहुत हद तक सोच में, तो हमें एक यूनाइटेड करके रखने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो नेशनलिज्म है अकॉर्डिंग जी. निशी मैम, हम आपके पास आना चाहेंगे. निशी मैम, आपके हिसाब से राष्ट्रवाद क्या है? हंस, मेरे हिसाब से तो राष्ट्रवाद वही है जैसा कि दूसरों ने कहा कि अपने राष्ट्र के लिए प्रेम की भावना और रिस्पेक्ट और प्राइड, ये तो है ही. इसके साथ एक बात और है कि सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जाते हैं इस देश की संप्रभुता को और एकता को कायम रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, तो जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं और जो भी कदम उठाए जाते हैं उनका देश की जनता को सम्मान भी करना चाहिए और उसका ठीक से पालन भी करना चाहिए. और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ दिया गया है. जैसे हम देखते हैं कि स्कूल्स में, अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज में बहुत सुनने में आ रहा था कि कुछ स्कूल्स रेडी नहीं है अपने स्कूल में वंदे मातरम रोज बुलवाने के लिए, कहीं पर शायद नेशनल एंथम में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो धर्म से उसे जोड़कर ना देखे, क्योंकि बच्चा स्कूल में सब कुछ सीख रहा होता है, तो प्रेम की भावना के बीच भी वहीं से पड़ेगी. तो अगर नेशनल एंथम के लिए वो खड़ा हो रहा है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. और एक बात और, एक और मेरा पॉइंट है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्हें बहुत शर्म आती है कि अगर उन्हें नेशनल एंथम के टाइम पर खड़ा होना पड़े या भारत माता की जय बोलनी पड़े या वंदे मातरम बोलना पड़े. तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो जिस भी धर्म के हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म का नाम नहीं ले रही, वो किसी भी धर्म के हैं, तो वो क्या जहाँ वहाँ उस कंट्री में होते, अपने धर्म प्रधान देश में अगर होते, तो क्या वो वहाँ का राष्ट्रगान गाते, उसके लिए खड़े होते या नहीं होते? और अगर होते तो क्योंकि वो उस धर्म के हैं इसीलिए होते, या फिर वो उस राष्ट्र के हैं इसीलिए होते, या फिर उनके अंदर उस देश के लिए प्रेम है इसलिए होते? तो यहाँ पर अगर आपको ये सब बोला जा रहा है करने के लिए, तो एक तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये आपके अंदर खुद से होना चाहिए कि आप इस राष्ट्र का हिस्सा हैं. तो फिर क्यों शर्म आती है अगर वो इस तरह से सोचें कि भाई धर्म वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है ना. तो इसमें मुझे लगता है लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इस देश के लिए कोई संशय है, थोड़ा प्रेम की कमी है, रिस्पेक्ट की भी कमी है, और गर्व तो शायद है ही नहीं, इसलिए वो खड़े ही नहीं हो पाते. आयुष त्रिपाठी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे. आयुष जी, जैसा कि मैम ने अभी कहा था कि अगर वंदे मातरम हो तो उसमें हमें राष्ट्रगान के समय खड़ा होना चाहिए, तो मैम देखा जाए तो ये चलन 2014 से शुरू हुआ है कि जब भारत माता की जय या वंदे मातरम कहा जाए तो तभी राष्ट्रवादी माना जाएगा या तभी आप नागरिक करार किए जाएंगे. और वहीं अब उसी दो शब्द को बदल के 2017 से अब ये हुआ है कि जो भारत माता की जय या राष्ट्र या फिर वंदे मातरम कहा जाता था वो जय श्री राम में बदल जा चुका है. तो जब जय श्री राम जब कोई नहीं बोल रहा है तब उसे राष्ट्रवादी नहीं माना जाएगा या फिर एंटी नेशनलिस्ट का करार कर दिया जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सामने वाला व्यक्ति है अगर जय श्री राम नहीं बोल रहा है तो उसके मन में एक अलग सी भावना तो उत्पन्न होगी ही, और शायद यही है जो क्लैशेस को जन्म दे रहा है. जी, तो आप कौन से राष्ट्रवादी देश की बात कर रही हैं? मैं बस यही पॉइंट रखना चाह रहा था. निश्चित मैम, हाँ अभी थोड़े दिनों पहले ऐसा हुआ था कि अच्छा ओके निश्चित मैम प्लीज कंटिन्यू. अच्छा मैं ये पॉइंट बोलना चाहता था लाइक नेशनलिज्म इज अ गुड फीलिंग लाइक बट नेशनलिज्म हमारे देश में तभी क्यों बाहर आता, मैं ये पॉइंट रखना चाहता था कि नेशनलिज्म हमारे देश में तभी क्यों बाहर आता है जब कोई ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है. जैसे अभी अगर नॉर्मल ऑन नॉर्मल बेसिस नेशनलिज्म को कभी कोई देखता नहीं, कभी उसके ऊपर ना कोई विचार किया जाता है ना न्यूज चैनल के ऊपर चलाया जाता है, और आप हम नेशनलिज्म की आज तक मतलब दशा जो है आज के न्यूज चैनल्स में हम वो ही देख सकते हैं कि अगर हमारे साथ में एक अभिनेता थे, चलो उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी जो न्यूज थी वो 5-5, 6-6 घंटे चलाई जाती. जी
जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उनके ऊपर एक भी मतलब कम से कम 5 या 6 मिनट का वो न्यूज देके एंड देन दे से दैट इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और हम इनका आभार नहीं दे सकते थे. इज दैट द नेशनलिज्म दैट इट इज प्रमोट लाइक टुडेस जनरेशन इज प्रमोटिंग. निशी मैम से मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा फिर अभिनव आपके पास आऊंगा. जी मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी थोड़े दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि महाराष्ट्र असेंबली में वो कौन है वारिस शाह या वाजिद कुछ ऐसे करके कुछ नाम है जी. तो वो असेंबली को छोड़ करके चले गए क्योंकि वो शायद वंदे मातरम नहीं बोलना चाह रहे थे या फिर भारत माता की जय नहीं बोलना चाह रहे थे तो उन्होंने ट्वीट कर दिया. तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं और ये ऐसा नहीं है जैसा भी किसी ने अपना पॉइंट रखा कि इसे 2014 से या 2017 से राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है. हम तो बचपन से स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना. क्या हमने कभी स्कूल में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट देखा कि नहीं हमें बोलना नहीं है कि हमें नेशनल एंथम में खड़े नहीं होना है. हम तो कितना और स्कूल में आप स्टूडेंट्स को देखेंगे बहुत तेज आवाज में पूरे जोश के साथ वो चिल्ला कर कहते हैं कि भारत माता की जय. एक बार भी नहीं 3 बार बोलते हैं. यहाँ पर क्यों उन्हें क्यों शर्म आ रही है इस बारे में जो कि उनके राष्ट्र से ही सीधा सीधा जुड़ा. इसमें धर्म का कोई भी लेना देना नहीं. इसमें वो आपके किसी का अपमान नहीं कर रहे है ना. तो मूवीज में भी आप देखिए अगर आपको नेशनल एंथम के टाइम पे खड़ा होना है तो सिर्फ इसलिए कि लोगों के अंदर अपने लिए राष्ट्र के लिए एक प्रेम की भावना पक्की हो जाए अगर पहले से है तो. और जिनमें नहीं है वो खड़े नहीं होते. वहां पर भी आप खड़े नहीं हो रहे मतलब आप सीधे सीधे राष्ट्र का अपमान कर रहे हो. मैं ऐसा मानती हूँ. आप कंटिन्यू करें अभिनव. जैसे मानवीर ने बोला कि जब पे क्रिटिकल सिचुएशन आता है जब पे प्रॉब्लम आता है तब भी हमें नेशनलिज्म की जो सेंटीमेंट्स है वो आते हैं. बट मेरा ये मानना है कि हम सब नेशनलिज्म की जो सेंटीमेंट्स है हमेशा रहते हैं. जस्ट अ सेकंड होल्ड ऑन. मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें जो बोल ना रहे क्योंकि जब बारी में आपकी बोलने की अदरवाइज आप अपना माइक म्यूट करते हैं बिकॉज बहुत ही बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है. एवरीवन प्लीज म्यूट देयर माइक. या ओके अभिनव कंटिन्यू. हम सब में नेशनलिज्म के सेंटीमेंट्स हमेशा रहते हैं बचपन से रहते हैं. बट वो टाइम पे जो हम सब तो एड करने के लिए या जो हम सब जो डिवाइडेड है वो हम सब तो यूनाइट करने के लिए एक ईजी सा वे बन जाता है कि नेशनलिज्म का पॉइंट निकालो तो जो सब डिवाइडेड लोग हैं और डिफरेंट हेलो. वंदना मैम आप फिर से कंटिन्यू करें बिकॉज रिकॉर्डिंग 2 मिनट की हो नहीं पाई थी. ओके ऑलराइट. मुझे बस इतना कहना है कि जो लोग राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ये कुछ चीजें आई शुड से उनका रेस्पेक्ट नहीं करते उनके लिए मुझे ये कहना है कि ये जो चीज है वो रिलीजन से कम्प्लीटली फ्री है. रिलीजन इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है. आप हिंदू हो सकते हैं बौद्ध हो सकते हैं जैन हो सकते हैं सिख हो सकते हैं ईसाई हो सकते हैं मुस्लिम हो सकते हैं लेकिन कहीं भी आप जाएं या फिर इस कंट्री में भी रहें तो आप हैं तो इंडियन ही राइट. इंडियन जो वर्ड है उसको आप नहीं चेंज कर सकते. आप इंडिया में रह के नहीं कह सकते कि मैं फिलीपीन का हूँ या आप नहीं कह सकते कि मैं चाइना का हूँ. आप इंडियन ही रहेंगे वेदर यू आर फॉलोइंग द कस्टम्स और दैट सिस्टम और नॉट डजंट मैटर. यू आर गोइंग टू बी An Indian, you are an Indian. तो जो थोड़ी सी चीजें जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं उनका सम्मान करने में हम अपना कद तो ऊंचा कर ही रहे हैं साथ में सोसाइटी को भी डेवलप कर रहे हैं और अपनी कंट्री को वर्ल्ड वाइड भी कहीं डेवलप कर रहे हैं. जी द्रोन हम आपके पास आना चाहेंगे. व्हाट इज योर व्यू ऑन नेशनलिज्म द्रोन.
nationalism ek it is a feeling by a group or a group of people promoting the culture tradition of the country, developing a patriotic feeling towards the nation, supporting the views of the political leaders, the people of the country and the nation. So wo patriotic bhavna ko promote karna hi nationalism hai. And is time pe bahut zaruri hai hamare desh ke liye nationalism ko promote karna. As just humne ye dekha hai abhi काफी सारे रायट्स होते हैं. जम्मू एंड कश्मीर की हालत काफी सही हुई है अभी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 and 635 है. तो काफी इम्पोर्टेंट स्टेप्स था जो बीजेपी के द्वारा लिया गया था. एंड नेशनलिज्म इज वेरी इम्पोर्टेंट टू बी फॉर द एवरी सिटीजन टू हैव इट. बिकॉज वी नो कितने रायट्स के चलते और जो डाइवर्स कंट्री है हमारा इंडिया, तो उसमें एक अपने देश के लिए एक अच्छी भावना पेट्रियोटिज्म होना बहुत जरूरी है. Okay, Prashant, we'll go to Prashant. Prashant, what is your view on nationalism? So, as I said earlier, according to me, nationalism is a feeling of seeing our country above the rest of the world. और जो ये nationalism का बीज है, ये कहीं ना कहीं हमारे वाले freedom struggles है. हमारे जो freedom fighters थे, उन्होंने ये nationalism का बीज डाला था, जिसकी वजह से हम unite हो पाए और Britishers के राज से हम बाहर निकल पाए. अगर nationalism नहीं होता, तो आज तक हम लोग उनकी गुलामी कर रहे थे. और मेरे ये मानना है कि नेशनलिज्म कहीं ना कहीं इसका ये मतलब होता है कि अपने साथ तो बढ़ना, लेकिन दूसरों को भी साथ में बढ़ाना, साथ सबका साथ सबका विकास, जो हम करते आ रहे हैं. एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ सॉफ्ट पावर एंड हमने अपनी तो डेवलपमेंट करी है, साथ ही साथ दूसरी का अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है, जहां जिसको जब जरूरत पड़ी है तब हम उनके लिए आगे खड़े होके आए. चाहे अब करंट अब पेंडेमिक की बात ले लें, हमने श्रीलंका, हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को मेडिकल सप्लाई उनको की है, हमने वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं, हमारे डिफेंस अकेडमीज में वहाँ के वहाँ से यहाँ मतलब वहाँ के लोग यहाँ पे सोल्जर ट्रेन होके जाते हैं वहाँ पे ताकि अपनी कंट्री की रक्षा कर सके. सो दैट्स व्हाट आई फील लाइक इज अ ट्रू नेशनलिज्म. ओके अनन्या, वेलकम टू यू. अनन्या, एज एवरीवन हैज पुट दैट पॉइंट्स अबाउट नेशनलिज्म, बट आई डोंट थिंक नेशनलिज्म इज ओनली लाइक, जैसे वंदना मैम ने बोला था कि तुम कहीं भी जाओ यू विल बी ऑलवेज बी कॉल्ड एज एन इंडियन, बट आई थिंक कॉलिंग इंडियन इज डिफरेंट एंड फीलिंग द पेट्रियोटिज्म इनसाइड यू इज डिफरेंट. बिकॉज आई थिंक अगर इंसान नहीं बोलना चाहता भारत माता की जय, इट्स हिज ओन चॉइस, यू कैन चेंज हिज इट्स ओपिनियन, ही डजंट वॉन्ट टू से बिकॉज वॉट the country is doing right now he didn't like it, so he, at the current moment he don't want to say it. In future he might say, he might not, that's his choice. So you can't tell anyone that he is wrong in that point. Okay, Antra, please express your views on nationalism. Yeah, mere se pehle hand raise kiya tha drone ne, so aap pehle kar lete hain. Abhinav aur Prashant ne hand raise kiya, to pehle unke points pure kar lete hain. आप बोले मतलब सीरियल वाइज आप लोग बोलते चले, अगर एक का पॉइंट हो गया है ना तो ये काफी ऑड लगता है बीच में. आप बोले सो एक का पॉइंट हो गया हो तो सेकंड जिनको भी बोलना है वो बोल सकता है.